जमीन का खेल पकड़ा गया। अहिमामऊ में अवैध पट्टे की जमीन संकटबड़ीय बना दिया। पट्टा पत्रावली स्वीकृत नहीं, जमीन खतौनी में चढ़ा दिया। वहीं अहिमामऊ में शहीद पथ पर करोड़ों की जमीन की लूट हुई। सरोजनी नगर तहसीलदार ने अज्ञात लोगों पर फिलहाल मुकदमा लिखाया तो तहसील के अफसरों ने कुटर चना करके करोड़ों की जमीन हड़पी। वहीं एसडीएम न्यायिक देवेंद्र कुमार कानून को जितेंद्र सिंह ने किया खेल दिखावटी एफआईआर कराकर अफसरों को बचा रहा है जिला प्रशासन। तो विवेकानंद डुबरियाल के कहने पर जमीनों की हेर फेर होती थी। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी, जमीन खतौनी में चढ़ा दिया लगातार, जिस तरीके से जमीनों की हेर फेरी हुई, अब चीजें सामने आ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि लखनऊ में बीती रात में सरोजनी नगर थाने में सरोजनी नगर के तहसीलदार ने अज्ञात लोगों पर एक मुकदमा लिखाया है कि उन्होंने अहिमामऊ की एक जमीन है, ये 2021 का मामला है, 6 महीने पुराना है, जिसमें हेर फेर करके उसको खतौनी में संक्रमणीय भूमि दर्ज कर दी और कुछ लोगों के नाम उस जमीन को चढ़ा दिया, जबकि वो जमीन ग्राम समाज की है और ना तो उसकी पट्टा की पत्रावली स्वीकृत है ना वो असंक्रमणीय थी। लेकिन उसके बावजूद तत्कालीन एसडीएम न्यायिक सरोजनी नगर देवेंद्र कुमार और तत्कालीन कानून गो जितेंद्र सिंह, इन लोगों ने करोड़ों की जमीन का ये खेल किया है। लखनऊ में तहसील के जो अधिकारी हैं वो गरीबों की जमीन ऐसे ही लूट रहे हैं और उन्होंने अकूत संपत्ति बना रखी है। इन सबका सरगना जो है वो राजस्व परिषद के जो चेयरमैन है उनका निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल था, जो रिटायर हो गया है। विवेकानंद डोबरियाल लखनऊ में कानून को तहसीलदार लेखपाल का रैकेट चलाता था, करोड़ों की वसूली करता था और जमीनों पर कब्जा कराता था। विवेकानंद डोबरियाल पर कैसरबाग थाने में मुकदमा लिखा गया है, एसटीएफ उसके पीछे लगी है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन, जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश सब कुछ जानते हुए भी अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखवा रहे हैं। लखनऊ के डीएम का भ्रष्टाचारियों को बहुत बंपर संरक्षण रहा है, जिसके चलते जितेंद्र सिंह जैसा कानून को करोड़पति बना हुआ है, जिसने मुआवजे लूटे, लोगों की जमीनें लूटी, तमाम सारे कानून को और तहसीलदार और लेखपाल ये एक रैकेट चला रहे हैं लखनऊ की तहसीलों में जमीनों को लूटने का। ये अहिमामऊ में ये एक मामला आया है जो शहीद पथ के पास ये जमीन है और ये जमीन ग्राम समाज की थी, जिसे असंक्रमणीय दिखाकर बाद में संक्रमणीय घोषित कर दिया और खतौनी में नाम चढ़वा दिया। तो इस तरह का भ्रष्टाचार चरम पर है लखनऊ में तहसीलों में। ये एक मामले छोटे छोटे आ रहे हैं, अभी आगे चलकर अगर कोई बड़ी एसआईटी जांच हो जाए तो लखनऊ के कई सारे तहसीलदार, जिला अधिकारी और राजस्व परिषद के गठजोड़ जो है ये सब इसमें फंसेंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, कोई बड़ी जांच आने वाले समय में बहुत जल्द होगी लगता है, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए।